चीनी काउंसिल जनरल का मुतासरीन सैलाब के लिए 300 मिलियन रुपए की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब परवेज सिलाही से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पंजाब में सैलाब से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। चीन के काउंसिल जनरल का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तावुन के अज़्म का इरादा। वज़ीर आला परवेज सिलाही का कहना है कि चीन से सैलाब ज़दगान के लिए टेंट और दीगर इमदादी सामान भिजवाना काबिल तहसीन है। सियासी इख्तलाफात भुलाकर सबको सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। 70% पाकिस्तान डूब चुका है। मुतासर इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। लेकिन रहनुमा ख्वाजा इमरान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक बोले, लेकिन अरकान असेंबली ने अपनी तनख्वाहें सैलाब मुतासरीन के लिए अदा की हैं। कारकुनों की इमदादी सरगर्मियों के लिए ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं। डायरेक्टर पीएचए उमर जहांगीर को अहदे से हटाने का मामला। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को तौहीन अदालत का लीगल नोटिस जारी। लीगल नोटिस अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर किया गया। लीगल नोटिस में कहा गया, अदालत का हुक्म वासे था कि उमर जहांगीर को तब्दील ना किया जाए। हुक्मनामा वापस ना लिया गया तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। और कोरोना वायरस का खतरा बरकरार। लाहौर में मूसे वायरस के 45 मरीज सामने आ गए। शहर में मुस्बत केसेज की शरह 3.5% रिकॉर्ड। पंजाब भर से कोरोना के 87 नए केसेज रिपोर्ट हुए। तिबी माहरीन की शहरियों को एहतियात का तबीर अपनाने की हिदायत।